ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर। यूनिट फर्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज ले रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। पहले हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। एक सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर पार्शली नेगेटिव तथा दूसरे एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरोइथेन का। क्लोरोइथेन के अंदर क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और C1 एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए C1 एटम अब C2 से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण उस पर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः अणुओं में ऋण विद्युती या धन विद्युती परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। अब हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है -I इफेक्ट, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। जब परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता हाइड्रोजन एटम से अधिक होती है तो उसे -I प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन एटम से अगर उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो किसी ग्रुप की तो वो -I प्रभाव वाले ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COH ग्रुप, NO2 ग्रुप एटसेट्रा। दूसरी जो टाइप है वो है +I इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। जब परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से कम हो तो उसे +I इफेक्ट कहते हैं। इसके उदाहरण हम लेते हैं ड्यूटेरियम, CH3 ग्रुप, CH2R, CHR2 एटसेट्रा। ड्यूटेरियम अधिक परमाणु त्रिज्या के कारण +I प्रभाव दर्शाता है। अब इस टाइप के बाद में हम लेते हैं प्रेरणिक ये प्रभाव का भौतिक गुणों पर प्रभाव। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम लेते हैं डाइपोल मोमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल बन जाते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है एटम पर, तो दूसरे के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है, तो उस बॉन्ड के अंदर डाइपोल बन जाते हैं जिससे उसके अंदर द्विध्रुवीय गुण आ जाते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम उदाहरण लेते हैं CH3I, उसका डाइपोल मोमेंट 1.64 डिबाई होता है। इसी तरीके से CH3Br, उसका 1.79 डिबाई, CH3Cl 1.83 डिबाई, इसका डाइपोल मोमेंट उसके अंदर आ जाता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट पर निर्भर करती है। इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, पहले एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड में, तो एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड में मिथाइल ग्रुप के +I इफेक्ट के कारण OH ग्रुप में से प्रोटॉन कम आसानी से निकलता है। और हम ये जानते हैं कि जितना जल्दी प्रोटॉन निकलता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये यहाँ पर हम इसको इसके इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर समझाते हैं। एसिटिक एसिड को यदि फॉर्मिक एसिड से तुलना करें तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, जबकि एसिटिक एसिड में CH3 के +I इफेक्ट के कारण फॉर्मिक एसिड जितना जल्दी से प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी स्ट्रेंथ को समझाते हैं। इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल और लें
और वो एग्जांपल हम लेते हैं इसमें एसिटिक एसिड वर्सेस क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है और उसके कारण OH ग्रुप आसानी से प्रोटॉन दे देता है। डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और अधिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे क्योंकि उनमें माइनस आई इफेक्ट डालने वाले क्लोरीन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है। अतः किसी अम्ल में माइनस आई इफेक्ट डालने वाले जितने अधिक ग्रुप होंगे वह एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और जितने अधिक प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। इस तरीके से हम इस इंडक्टिव इफेक्ट से एसिड की स्ट्रेंथ को समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, क्षारों की सामर्थ्य। अमोनिया और टर्शियरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर समझाया जा सकता है। क्षारों की स्ट्रेंथ नाइट्रोजन पर प्रेजेंट एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता पर डिपेंड करती है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप नाइट्रोजन पर प्रेजेंट एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रेजेंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए एल्काइल अमीन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। कभी कभी टर्शियरी अमीन की क्षार सामर्थ्य अमोनिया से कम हो जाती है जब एल्काइल ग्रुप का त्रिविम बाधा विन्यास बहुत अधिक हो। एक अन्य प्रभाव जो सीधे बंध से तो नहीं लेकिन अंतराकाशीय स्थान अथवा विलायक अणुओं के माध्यम से हो तो उसे क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट व फील्ड इफेक्ट इन दोनों को साथ लेकर ही एक कंपाउंड के करैक्टर का अध्ययन किया जा सकता है। दोनों इफेक्ट को हम साथ लेकर ही कंपाउंड के नेचर को आसानी से समझा सकते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ मॉलिक्यूल की नेचर को समझाने के लिए दूसरे प्रभाव भी वर्क करते हैं जिसे क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं। ये था प्रेरणिक प्रभाव के बारे में और कुछ हमने उदाहरण लिए और उससे इसको समझने की कोशिश की। थैंक यू।